इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पार्ट वन में एडमिशन कैसे ले। लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, यही लिंक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा फ्रेंड्स। कैसे फिल करना है चलिए दिखाते हैं। ये फॉर्म इस तरह का फ्रेंड्स। इस फॉर्म को फिल करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी फ्रेंड्स, अगर नहीं तो आगे चलकर आपको फॉर्म में किसी प्रकार की परेशानी उठानी पड़ सकती है या पढ़ सकता है। अगर आप भर रहे हैं खुद से या मोबाइल से भी भर रहे हैं तो इस फॉर्म को आप मोबाइल से भी बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा सावधानी के साथ बताया गया है फ्रेंड्स कि आप घर बैठे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पार्ट वन में 2020 में जो एडमिशन हो रहा है पार्ट वन बी ए बी एस सी बी कॉम वाले स्टूडेंट कर सकते हैं पार्ट वन में एडमिशन। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बी ए बी एस सी बी कॉम वाले स्टूडेंट यहाँ कर सकते हैं ऑनर्स में एडमिशन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर इस वीडियो को फ्रेंड्स। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के पल पल का अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। जुड़ने के लिए आप नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाकर बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, तभी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए और फ्रेंड्स इस वीडियो को फॉर्म देख कर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ सावधानी बताया गया है फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स आप अगर सबसे पहले इस लिंक पर आइएगा फ्रेंड्स। लिंक आपको कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स सॉरी फ्रेंड्स इसके नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लिंक पर आ जाइएगा, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा फ्रेंड्स, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाए। आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का क्लिक करते हैं, करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यह फॉर्म खुलकर आए। इस फॉर्म को पहले नहीं भरना फ्रेंड्स, हम बोले हैं सावधानी बताएंगे, तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, हम आपको कुछ सावधानी बताते हैं। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा फ्रेंड्स, पहली बात सुन लीजिए फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको लग जाएगा क्लास टेंथ का मार्कशीट लगेगा फ्रेंड्स, क्लास ट्वेल्थ का मार्कशीट लगेगा, जो कि फ्रेंड्स आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में पहले से रिसाइज कर रख लीजिएगा फ्रेंड्स। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा फ्रेंड्स, और एक फोटो लगेगा, और एक इंग्लिश में सिग्नेचर। इन सभी चीज को फ्रेंड्स टोटल आप पांच डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा फ्रेंड्स। ये देखिए हमने पहले से ही इस डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही हम कर रखे हैं फ्रेंड्स रिसाइज। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें हिंदी का भी सिग्नेचर हमने पहले से कर ले, लेकिन हिंदी का सिग्नेचर आपका नहीं लगेगा फ्रेंड्स। टोटल आपको पांच डॉक्यूमेंट्स लगेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए इंग्लिश में सिग्नेचर, पहले फोटो, फिर देखिए क्लास ट्वेल्थ का, फिर है क्लास टेंथ का मार्कशीट, फिर है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले आ जाते हैं वेबसाइट पर, आने के बाद हम आपको बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स। क्लास ट्वेल्थ में फ्रेंड्स आपको जब एक मार्कशीट मिला होगा, क्लास ट्वेल्थ का एक मार्कशीट मिला होगा, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक फ्रेंड्स उसी के नीचे मिला होगा, देख लीजिएगा छोटा सा लिखा होगा फ्रेंड्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट, छोटा सा पेपर होगा फ्रेंड्स, उसको चीर कर स्कूल में एडमिशन लेते वक्त जमा देना पड़ता है फ्रेंड्स, यही है फ्रेंड्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसी का नंबर लगेगा फ्रेंड्स, जो कोना में होगा एमसी नंबर कर लिखा होगा फ्रेंड्स, आप निकाल कर खुद से अपने फॉर्म में भर लीजिएगा। इतना अगर आप पहले कर लेते हैं फॉर्म भरने से पहले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स, आगे भी हम कुछ सावधानी बताएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को अब शुरू करते हैं, फॉर्म को अप्लाई करना शुरू करते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले वाले ऑप्शन में बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, सबसे पहले वाले ऑप्शन में बोर्ड सेलेक्ट करने, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो पहले वाला ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर किसी भी बोर्ड से हैं फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर कोई भी बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी बोर्ड आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बिहार बोर्ड में अगर हैं तो आप ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद क्लास ट्वेल्थ का मार्कशीट आप अपने सामने रखिएगा, ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद देख लीजिएगा आप क्लास ट्वेल्थ कब पास किए, 2020 में ही किए होंगे फ्रेंड्स, अगर नहीं किए, अगर 2020 के अलावा अदर स्टूडेंट हैं तो आप अपना हिसाब से सेलेक्ट करिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रोल कोड डालना होगा फ्रेंड्स, जो भी है फ्रेंड्स आप अपने अनुसार फिल कर लीजिएगा। रोल कोड डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना होता है फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए रोल नंबर आप अपने अनुसार फिल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको रोल कोड और फिर से आपको रोल नंबर फिल करना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप भी यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा या पेस्ट कर लीजिएगा या टाइप कर लीजिएगा, आपको जिस तरह से सुविधा लगे फ्रेंड्स उस तरह से कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया फ्रेंड्स, थोड़ी सावधानी बरतने के लिए फिर से हम आपको चेक करके बताते हैं। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट किए फ्रेंड्स, फिर से आप रोल कोड यहाँ सेलेक्ट किए, फिर आप रोल नंबर डाले फ्रेंड्स, जैसे ही इतना चीज डाले फिर दोबारा कंफर्म करने के लिए रोल कोड डाले और रोल नंबर डाल दिए फ्रेंड्स। यहाँ पर ये कैप्चा कोड ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स इस बॉक्स में भरना है, फिर यहाँ पर आपको टिक लगाना है, फिर प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करना।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम चलते हैं। अगर आपको ये कैप्चा कोड नहीं समझ में आता है फ्रेंड्स, तो आप क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पर रिफ्रेश का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आप चेंज कर सकते हैं। हम फिर से देखिए ये चेंज करते हैं, यहाँ चेंज हो गया फ्रेंड्स। आप अपने अनुसार आसान वाला देखकर फिल कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो भी आपके अनुसार लगेगा इस तरह से फिल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हमको जो भी हमें लगता है हम अपने अनुसार फिल कर लेते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम फिल के यहाँ पर टिक लगा के प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर दिए। फॉर्म पर जैसे ही फ्रेंड्स क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कहने आपको कह रहा है फ्रेंड्स, प्लीज री वेरीफाई योर डिटेल्स। अगर आपका डिटेल सही है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिए, अगर आपका डिटेल्स गलत है तो नो गो बैक पर क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका डिटेल सही है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधानी क्या बरतनी पड़ती है फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं फोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड है फ्रेंड्स, 20 KB से अंदर करना फ्रेंड्स। फोटो और सिग्नेचर की बात करें फ्रेंड्स, कैसे अपलोड करना, आपको एक आई बटन पर भी यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड्स। इस जगह आप जैसे ही क्लिक कीजिए, सॉरी फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो एक वीडियो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड्स। उस वीडियोज को जाकर देख लीजिएगा और एक वीडियो उस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आज फ्रेंड्स सावधानी से कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, उस वीडियो को भी देखकर आप फॉर्म को, यानी कि फ्रेंड्स आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल से रिसाइज कर सकते हैं। मोबाइल से भरना चाहें तो मोबाइल से, अगर आप प्रिंटर आपके पास है तो प्रिंटर से भी आप बड़ी आसानी से रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस फॉर्म को पहले फिल करते हैं। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नाम यहाँ पर लिखना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं पिताजी का नाम उनका है फ्रेंड्स, जिस कैंडिडेट का फिल कर रहे हैं, उसके बाद उनका पिताजी का यहाँ नाम आपको फिल करना है, उनका नाम जिनका आप कैंडिडेट का नाम फिल कर दिए। उसके बाद उनके माताजी का नाम फिल कर दिए, मदर नेम, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ डे फिल कर दीजिए, फिर जो भी लिंक है आप अपने अनुसार फिल कर लीजिए, फिर धर्म को आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उप श्रेणी सेलेक्ट कर लीजिए, क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से, अगर हैं तो यस सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले इतना फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले हम नाम फिल करते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपना यहाँ पर नाम फिल कर दिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर उनका पिताजी का नाम, फिर मदर्स नेम लिख दिए फ्रेंड। सारा डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको फिल करना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ डे भी फिल करना है, यहाँ पर लिंक सेलेक्ट करना, यहाँ पर क्या आप अल्पसंख्यक है, आप अपने अनुसार यहाँ पर यस या नो क्लिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम आगे वाले ऑप्शन पर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या आप EWS अगर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ अगर लेना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है फ्रेंड्स। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, अगर आरक्षण का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स फॉर्म भरने से पहले, और आप तब आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे ही इसका अगर लाभ लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, इस बॉक्स में आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सर्च लेगा, फिर इस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ले मूल निवास प्रमाण पत्र भरना होगा, अगर नहीं तो नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल कर दीजिए, अगर नहीं है फ्रेंड्स तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ आधार नामांकन संख्या फिल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर इस सारे ऑप्शंस को छोड़ देते हैं, कोई ऑप्शन स्टार मार्क नहीं लगा हुआ फ्रेंड्स, देख सकते हैं इन सभी ऑप्शन में, इसमें भी कोई स्टार मार्क नहीं, हम इसे छोड़ दिए फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस चलिए भरते हैं फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ भरते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना एड्रेस और यहाँ पर पिन कोड इस तरह से भर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि सबसे पहले एड्रेस यहाँ इस तरह बड़ी सावधानी से भरना है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। अगर आप सेम एड्रेस पर रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको कॉपी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना, फिर आपका इधर जो भरे होंगे फ्रेंड्स तो ऑटोमेटिकली इधर ले लेगा फ्रेंड्स। अगर सेम ऑप्शन सेम एड्रेस पे नहीं रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक नहीं करना फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना। यहाँ पर आपको अपने मन से जहाँ रह रहे हैं फ्रेंड्स वहाँ का एड्रेस फिल करना। चलिए फ्रेंड्स हम पहले फिल कर लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स इधर हम सारे ऑप्शंस को फिल कर दिए, उसके बाद हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इधर वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली फिल हो गया है फ्रेंड्स। उसके बाद आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर और कंफर्म करने के लिए यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ईमेल आईडी भी डालना बहुत ही जरूरी है, फिर से आपको दोबारा ईमेल आईडी डालना फ्रेंड्स। यहाँ मोबाइल नंबर स्टार मार्क्स है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं स्टार मार्क्स लगा हुआ, ईमेल आईडी भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी। चलिए फ्रेंड्स मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम फिल करते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कीजिएगा तो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका एजुकेशन डिटेल्स का,
यहाँ पर फ्रेंड्स क्लास टेंथ का यहाँ पर देख सकते हैं, क्लास टेंथ का आपने मार्कशीट से, यानी कि फ्रेंड क्लास टेंथ का आप मार्कशीट आप अपने सामने रख लीजिए और क्लास ट्वेल्थ का भी दोनों आप अपने सामने ही रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिल कीजिएगा क्लास टेंथ का यहाँ पर पासिंग ईयर, क्लास टेंथ किस बोर्ड से आप किए थे, फिर रोल नंबर फिल करना और रोल कोड भी इसी में आपको फिल करना है फ्रेंड। उसके बाद टोटल मार्क्स आपका 500 का एग्जाम था या जितना का था आप अपने अनुसार फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कितना नंबर आप क्लास टेंथ में लाए हैं यहाँ पर आपको फिल करना है। चलिए फ्रेंड्स हम इसको फिल करते हैं। हम सबसे पहले फ्रेंड्स ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने अनुसार ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप 2020 में इंटर किए हैं तो 2018 में आप मैट्रिक किए होंगे। उसके बाद आप बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट इस वाले सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। रोल नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर भरने और रोल नंबर दोनों एक साथ कैसे फिल करना फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको रोल कोड फिल करना फ्रेंड, आप अपने अनुसार रोल कोड जो भी होगा फ्रेंड्स इस तरह से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद एक माइनस वाला चिन्ह डाल दीजिएगा, स्पेस स्पेस नहीं डालना, कुछ नहीं डालना फ्रेंड्स। माइनस वाले चिन्ह के बाद अपना रोल नंबर यहाँ फिल कर दीजिएगा, आप अपने अनुसार रोल नंबर यहाँ पर फिल कर लीजिएगा फ्रेंड। जैसे ही आप यहाँ पर रोल नंबर फिल किए टोटल मार्क्स आपका 500 का होगा क्लास टेंथ में फ्रेंड, अपने अनुसार भर लीजिए। आप कितना मार्क्स लाए हैं फ्रेंड्स क्लास टेंथ में यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद फ्रेंड्स क्लास ट्वेल्थ का यहाँ पर आपको मांगता है फ्रेंड्स, क्लास टेंथ का आप ट्वेल्थ का पहले ही सारा चीज भर दिए थे, नंबर आप नहीं भरे थे फ्रेंड्स, कितना लाए हैं क्लास ट्वेल्थ में यहाँ पर आपको भर देना, आप जितना भी मार्क्स लाए हैं इस वाले बॉक्स में आप भर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम भी इसको फिल कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही फिल करेंगे फ्रेंड्स हम चलेंगे अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर फोटो अपलोड का फ्रेंड्स। फोटो आपको टोटल फ्रेंड्स 20 KB के अंदर फिल रखना फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं 20 KB के अंदर ही फोटो को रखना और सिग्नेचर को भी रखना फ्रेंड्स। जैसे ही चलिए फ्रेंड्स हम फिल करते हैं फोटो को। फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउजर पर जैसे ही हमारे सामने फाइल खुल जाएगा आप अपना फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही फोटो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर आप सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिग्नेचर भी यहाँ पर आप जैसे ही अपलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख लीजिए स्पष्ट रूप से यूनिवर्सिटी ने पहले ही कह दिया है कि आप किसी प्रकार की गलती करते हैं तो स्वयं जिम्मेवार होंगे। इस पर आपको इसका एग्रीमेंट पर आपको टिक लगाना होगा फ्रेंड्स। मोबाइल नंबर या OTP किसी के साथ साझा करने के लिए नहीं कह रहा है फ्रेंड्स तो आप साझा नहीं कीजिए। इन सभी सावधानी को आपको बरतना होगा फ्रेंड। अगर आप आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन या संभव नहीं है, यानी कि फ्रेंड अगर आप आवेदन शुल्क को जमा कर देते हैं तो आप आवेदन में सुधार नहीं कर सकते, स्पष्ट रूप से कह दिया गया, और किसी भी दशा में आपको बैलेंस वापस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म को बड़ी ही ध्यान से आपको भरना, उसके बाद टिक लगाइएगा और ये कैप्चा कोड यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। अगर आपको कैप्चा कोड ये वाला पसंद नहीं है तो रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर रिफ्रेश कर इस बॉक्स में फिल करना है और सेव टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स हम ये कैप्चा कोड फिल कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स फिल करने के बाद हम सेव टू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही हम सेव एप्लीकेशन पर फिल के क्लिक किए फ्रेंड्स तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आपको एक बार और बता दें कि आपको आधार कार्ड नंबर डालना अनिवार्य है फ्रेंड्स। हमने अभी अभी भी पीछे बताया है फ्रेंड्स कि आधार कार्ड नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको आधार कार्ड नंबर डालना अनिवार्य है इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका आगे सबमिट नहीं होगा फ्रेंड्स, इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बार बार तब सर्वर एरर का प्रॉब्लम बताएगा फ्रेंड्स। इसीलिए आपको आधार कार्ड जरूर डाल दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी मिल जाता है और पासवर्ड आपको जिस मोबाइल नंबर दिए होंगे या ईमेल आईडी दिए होंगे उस ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर आपको सेंड कर दिया गया है। ये है यूजर आईडी और पासवर्ड। चलिए फ्रेंड्स हम अब यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर ओपन करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स क्लिक हियर लॉगिन पर क्लिक करना होगा हमारे सामने, फिर उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स। इस तरह का देखिए इंटरफेस आ गया, लॉगिन भी ऑटोमेटिकली हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको फिर से लॉगिन करना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा फ्रेंड्स। ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे आते फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर से फ्रेंड इसी तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू मेरिट लिस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर डैशबोर्ड में फ्रेंड्स कि पहला है प्रोफाइल, फिर है डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर फ्रेंड्स सब्जेक्ट और मार्क्स सेलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स, फिर आपको कोटा वितरण सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना, फिर एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स इस सारे ऑप्शन को यहाँ फिल करने के बाद आपको फिर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स,
एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आवेदन पत्र यानी कि फ्रेंड्स आप अपना आवेदन एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर आप अपना रिसीविंग डाउनलोड कर लीजिएगा लास्ट वाले ऑप्शन से डाउनलोड एप्लीकेशन पर। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम प्रोफाइल अपडेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि फ्रेंड्स पहले से ही हम फिल कर रखे हैं। फ्रेंड्स वीडियो में आप पूरा बने रहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए फ्रेंड्स आधार कार्ड नंबर हमने फिल कर दिया है। फ्रेंड्स आपको भी आधार कार्ड नंबर फिल करना बहुत ही अनिवार्य है फ्रेंड्स, अगर आप आधार कार्ड नंबर नहीं डालेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ नीचे आपको सेव एप्लीकेशंस का ऑप्शन जो मिला था फ्रेंड्स आगे नहीं बढ़ पाइएगा, इसीलिए फ्रेंड्स आधार कार्ड नंबर आप जरूर डाल दीजिए। डालने के बाद फ्रेंड्स चलिए हम आगे आपको बताते हैं ये इस फॉर्म को कैसे फिल करना। इस फॉर्म को फ्रेंड्स हमने पहले ही बता दिया आपको कैसे ही फिल करना है, ये सारा चीज पिछला वाला ही है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप पे आपको चले जाना। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद फ्रेंड्स इस तरह का ऑप्शन यहाँ खुल जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हाई स्कूल का देख लीजिए फ्रेंड्स, हाई स्कूल का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है यानी फ्रेंड्स क्लास 10th का सर्टिफिकेट, फिर आपको इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th का सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स माइग्रेशन नंबर डालना अनिवार्य है। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, माइग्रेशन डेट, माइग्रेशन डेट आपको माइग्रेशन जो फ्रेंड प्रोविजनल के नीचे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है और डेट आपको नीचे राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिएगा राइट लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहां कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स, यहां कैटेगरी यानी कि आप अपना कैटेगरी भर सकते हैं यानी कि आप अपना जाति भर सकते हैं फ्रेंड्स, और EWS कैंडिडेट हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट EWS फिलर लगा लीजिए। आप अपने अनुसार फिल करने के बाद अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। चलिए फ्रेंड्स हम इसको फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां देख लीजिए हमने सबसे पहले हाई स्कूल क्लास 10th का, फिर क्लास 12th का सर्टिफिकेट डाल दिया, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट यही है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप देख लीजिए यही है फ्रेंड्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ देख सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट में यहाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अगर आपको इनका नंबर चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, ये रहा फ्रेंड्स आपका नंबर यहाँ देख लीजिए, सॉरी फ्रेंड्स माइग्रेशन नंबर ये रहा फ्रेंड्स आप यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स यही है फ्रेंड्स माइग्रेशन आपका नंबर, यही नंबर को फ्रेंड्स ऊपर में फिल करना और डेट ऑफ बर्थ डे सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं माइग्रेशन डेट, माइग्रेशन डेट फ्रेंड्स यहाँ पर फिल करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइग्रेशन डेट, ये देखिए 24/3/2020 लिखा हुआ, यहाँ पर आपको फिल कर देना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने छोड़ दिया है कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप भर लीजिएगा फ्रेंड्स आप अपने अनुसार, अगर आपको लगता है भरना स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ हमने नहीं भरा, EWS सर्टिफिकेट हम नहीं भरे फ्रेंड्स, अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं हमारे पास मिल जाता है फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स हमारे सामने इस तरह फ्रेंड्स हमारा बार बार फ्रेंड्स यही ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड्स की कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड, यानी कि फ्रेंड्स कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि हम फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पर क्लिक करते हैं तो हमें बार बार यही ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स, हम फिर से आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड पर, देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड फिर से ऑप्शन खुल गया, यानी कि फ्रेंड्स आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना अनिवार्य है फ्रेंड्स, लेकिन EWS सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कीजिए। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पर ठीक ब्राउज पर क्लिक कीजिएगा और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स आप अपने अनुसार, तो यानी कि फ्रेंड्स कैटेगरी सर्टिफिकेट बिना अपलोड किया आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको पूरा चीज कवर करेंगे फ्रेंड्स, आप घर बैठे बिना किसी प्रॉब्लम के इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन आप अगर वीडियो को पूरा देख लिए देखिए फ्रेंड्स तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन खुल गया है फ्रेंड्स स्ट्रीम सेलेक्ट करने का फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स आपको क्लास 12th में जितना जितना जो जो सब्जेक्ट था उसका मार्क्स लिखने का ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल गया, यानी कि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा तभी आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स क्लास 12th का यहाँ पे आपके पास क्लास 12th जो भी सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट था फ्रेंड्स आप अपना सब्जेक्ट इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी सब्जेक्ट है आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर सारा सब्जेक्ट मार्क्स फिल कर लिया है, आप भी इस तरह से फिल कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप 50 का इंग्लिश था तो 50 का हिंदी पहले सेलेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद 50 का इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया, फिर 100 का इंग्लिश सेलेक्ट किया,
देख लीजिए फ्रेंड्स, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। फ्रेंड ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, यही ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप अपने अनुसार आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले अपना यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट आर्ट्स, साइंस वाले हैं तो साइंस, कॉमर्स वाले हैं तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट करने के बाद जितना मार्क्स लाए हैं यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल डाउन करना है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स ग्रेस मार्क का, क्या आपके पास क्लास 12th में कोई ग्रेस मार्क्स मिला है? अगर मिला हुआ है फ्रेंड्स तो जितना मिला हुआ उतना लिख दीजिए, अगर नहीं मिला हुआ तो जीरो पर रहने दीजिए। उसके बाद सेव टू कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स सेव टू कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ जाता है फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स जैसे ही वहां पर क्लिक किया आपके सामने एक ऑप्शन मिला होगा, ओके किए होंगे। ओके करने के बाद इस तरह का, यानी कि फ्रेंड्स आपको ऑनर्स सब्जेक्ट करने का ऑप्शन मिल गया। फ्रेंड्स आपको ऑनर्स लेना चाहते हैं जनरल में? फ्रेंड्स सबसे पहले हम जनरल पे चेक करते हैं फ्रेंड्स क्या क्या आता है। जनरल में बीए, बीकॉम, बीएससी आता है जनरल में। फ्रेंड्स ऑनर्स अगर लेना चाहते हैं तो ऑनर्स पे क्लिक किए तो इस तरह सब्जेक्ट वाइज आ गया फ्रेंड्स। जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं साइकोलॉजी ऑनर्स, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर साइकोलॉजी ऑनर्स जैसे ही सेलेक्ट किया आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने बोलता है, वो पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया है, किशनगंज, जो जो भी जिला में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उस जिला में एडमिशन ले सकते हैं। हमने कटिहार पर क्लिक किया और कटिहार का यहाँ पर सारा कॉलेज आ गया है। जैसे ही आ गया है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो भी कॉलेज लेना है ले लीजिएगा। हमने यहाँ डीएस कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप ऐड पर क्लिक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स ऐड पर जैसे ही क्लिक किए आप अपना कॉलेज यहाँ सेलेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। देखिए एक नंबर कॉलेज आ गया है फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आपको फिर से ऐड पर क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। ऐड पर क्लिक करने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ आ गया दैट कॉलेज सब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन योर लिस्ट, यानी कि फ्रेंड्स आपको फिर से इसको यह कॉलेज आपका पहले से ही लिस्ट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही है फ्रेंड्स, इसीलिए फ्रेंड्स फिर से आपको फिर से नेक्स्ट कॉलेज आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको दूसरा कॉलेज जो भी है यहाँ सेलेक्ट कर लिया। हमने दूसरा कॉलेज केवी झा लिया और फिर कटिहार में ही एडमिशन लेना था तो लेने के लिए ऐड पर क्लिक कर दिया। तो ठीक फ्रेंड्स उसके बाद दो कॉलेज सेलेक्ट हो गया। अगर आपको तीसरा कॉलेज भी लेना है तो तीसरा कॉलेज के लिए आप फिर से यहाँ क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद अपना तीसरा कॉलेज यहाँ पर खोज सकते हैं। तीसरा कॉलेज फ्रेंड्स इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको कटिहार में एडमिशन हमें लेना था, हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट चेंज नहीं किया। आपको अगर डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है तो चेंज कर करके आपको कॉलेज वहां पर मिल जाए। टोटल हम तीन कॉलेज सेलेक्ट कर लिए हैं फ्रेंड्स। आपको अगर पूर्णिया में एडमिशन लेना है तो पूर्णिया सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं लेना है तो कटिहार में ही आप एडमिशन लीजिए या किशनगंज में लीजिए या अररिया में लीजिए। जैसे किशनगंज पर क्लिक किए यहाँ किशनगंज का टोटल कॉलेज दिखा दिया फ्रेंड्स। जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका डाउट यहाँ तक हमें उम्मीद है कि क्लियर हो गया। अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। सेव टू जैसे कंटिन्यू पर क्लिक किए फ्रेंड्स टोटल यहाँ ऑप्शंस मिलता है फ्रेंड्स कि टोटल कम से कम आपको 5 कॉलेज डालना अनिवार्य है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम 5 कॉलेज फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने सब्जेक्ट 5 टोटल 5 कॉलेज फिल कर लिया है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए टोटल 5 कॉलेज सब्जेक्ट करने के बाद आपको सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शंस आ गया है फ्रेंड्स। आपको पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स देखिए एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए आपको 300 रुपया पेमेंट करना होगा, टोटल बैलेंस आपको 300 पेमेंट करना होगा। अगर अदर कैटेगरी के हैं तो आपको 600 रुपया, एसटी और एससी कैंडिडेट को छोड़कर फ्रेंड्स सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को आपको 600 रुपया पेमेंट करना होगा। अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स तो आपको 300 रुपया पेमेंट करना होगा फ्रेंड्स। पेमेंट करने से पहले फ्रेंड्स आपको यहां पर जो मोबाइल नंबर में ओटीपी गया था फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स पासवर्ड गया था, उसको यहां फिल करना है फ्रेंड्स। यहां देख सकते हैं लिखा हुआ फ्रेंड्स ऑलरेडी सेंड योर मोबाइल, यानी कि पासवर्ड आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगा जो शुरू में लॉग इन किए होंगे, वो पासवर्ड को यहाँ डाल देना है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना हो फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स पासवर्ड हम डालते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर। जैसे ही फ्रेंड्स प्रोसीड टू पेमेंट पर हमने क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का पेमेंट पेज खुलकर आ रहा है फ्रेंड्स। आप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही क्रेडिट कार्ड से आप कीजिएगा तो 607 रुपया आपका पेमेंट कटेगा फ्रेंड्स। और देखिए डेबिट कार्ड से अगर आप करते हैं तो टोटल आपको 600 रुपया ही कटेगा, कोई जीएसटी चार्ज देना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स।
अगर आप सेव कार्ड करना चाहते हैं तो सेव कार्ड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप डेबिट कार्ड एटीएम पिन से करना चाहते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज या नहीं देना हो। यूपीआई से करना चाहते हैं वहां पर भी एक्स्ट्रा, वॉलेट से करना चाहते हैं आप वॉलेट से भी कर सकते हैं। वॉलेट के लिए बहुत सारा वॉलेट है फ्रेंड्स, आप यहाँ अपने अनुसार वॉलेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप पेमेंट यहाँ पर कर लीजिएगा, जैसे ही फ्रेंड्स आप अपना पेमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में पेमेंट करके आपको नहीं बता रहे हैं, पेमेंट का अभी सोर्स हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। वॉलेट से फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, वॉलेट से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 2% का जीएसटी लग जाएगा। यहाँ देखिए टोटल जीएसटी या प्रोसेसिंग फी आपको देना हो जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स हम सजेस्ट करेंगे डेबिट कार्ड से कीजिएगा। और डेबिट कार्ड में फ्रेंड्स आप एसबीआई का डेबिट कार्ड से अगर कर रहे हैं तो मॉर्निंग में ही कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप अदर टाइम नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स आपका पेमेंट नहीं फंसेगा। अगर आपका पेमेंट फंसता है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पेमेंट रिलेटेड भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। हमें उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप अपना फॉर्म को अच्छी तरह से भर लिए होंगे। भरने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पेमेंट वाले ऑप्शन तक हम आपको लेकर गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स व्यू एप्लीकेशन आपका आ जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस एप्लीकेशन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको डाउनलोड प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं या फेसबुक पर फॉलो कर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की जानकारी और हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले और सही जानकारी और सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले हमने आपको उम्मीद है कि बताया हो। अगर थोड़ी सी भी लेट हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिएगा फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट वीडियो आपको, अगर आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, उस वीडियो में हम प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।